रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू देसी किचन पंजाब। और आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लाई हूँ, आज बनाएंगे हम बनाना शेक। बनाना शेक वैसे तो मिल्क और बनाना से ही ज़्यादातर लोग बनाते हैं, लेकिन अगर हमें ज़्यादा एनर्जी के लिए चाहिए कि हमें ऐसा शेक चाहिए कि जो जिम करने वाले बच्चे हैं या बड़े हैं जो जिम जाते हैं या जिनको जो जिस्मानी तौर पे कमज़ोर हैं, वीक हैं जो ज़्यादा, उनके लिए जो एक बेस्ट शेक है जिससे उनको ज़्यादा ताकत मिले, ज़्यादा उनको एनर्जी मिले और उनके लिए नशोनुमा में जो ज़्यादा अच्छा और बेहतर साबित हो, आज हम वो शेक बनाएंगे। और उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, बनाना चाहिए, ये तो ऑलरेडी बनाना शेक है, बनाना और मिल्क। और उसके अलावा हमें पीनट बटर चाहिए, पीनट बटर, और जी हमें चाहिए हनी। हनी डालेंगे इसमें, पीनट बटर डालेंगे, तो ये हमारा जो शेक है बहुत ही मज़े का बनेगा और बहुत हेल्दी बनेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम आधा किलो मिल्क लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आधा किलो इसमें मैंने दूध डाल दिया है। दूध गर्म नहीं होना चाहिए, फ्रिज वाला आपने इस्तेमाल करना है, ठंडा दूध हो, क्योंकि शेक तो आपको पता है ऑलरेडी ठंडा ही अच्छा लगता है, गर्म नहीं खाया जाता। बनाना को 3 से 4 अदद हम इसमें बनाने लेंगे, छोटे छोटे पीस में हमने 2 से 3 पीस में कटिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चार अदद बनाने मैं इसमें डाल चुकी हूँ। ये हो गया हमारे 4 अदद बनाना, और अब इसमें डालना है पीनट बटर। एक चम्मच इसमें मैं डालूँगी पीनट बटर, वन टेबल स्पून पीनट बटर एंड 1 टेबल स्पून हनी, हनी जो है वो खालिस होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, आजकल खालिस जो है वो मिलता नहीं है, लेगनीज का भी बहुत अच्छा होता है। और ये जो है ये भी बहुत ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी, थ्री टेबलस्पून इसमें मैं चीनी डालूंगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जितनी देर में शेक हमारा रेडी होगा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आने पर लाइक ज़रूर कीजिएगा। यानी देखना, अंदर रखने से स्पून से खुद बखुद ही उतर गया है। इसको आप बंद करेंगे जग को,
शेक हमारा रेडी हो चुका है। अब इसको हम मग में निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े का शेक है जो आपको यकीनन पसंद आएगा। अब हम इसमें आइस क्यूब डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह ठंडा हो जाए। और कुछ कटे हुए बादाम, आप बादाम अगर जब शेक बनाने लगे उस वक़्त भी अगर डालना चाहें तो उस वक़्त भी आप डाल सकते हैं। थोड़े से बादाम डालेंगे। लो जी, शेक हमारा हो गया रेडी। बनाना भी बहुत आसान है और इसका फ़ायदा भी बहुत है। जो एक बार पिएगा सारा दिन उसको ऐसा महसूस होगा जैसे उसने बहुत कुछ खाया हुआ है। इतनी ये ताकत देगा और इसके बेपनाह फ़ायदे हैं। इसके लिए ये है कि अगर आपने शहद और पीनट का हनी, ये हनी जो है इसका या पीनट का भी इंतखाब करना है तो आपने ये देखना है कि ये जो हनी है ये खालिस होना चाहिए। ज़्यादातर हम लाते हैं किसी भी स्टोर से, किसी जगह से भी, तो वो थोड़ा सा हम यूज़ करते हैं तो उसके नीचे बिल्कुल शुगर जो है वो बैठी नज़र आती है, वो नीचे सब जम जाती है शुगर जो है इसके, तो इसलिए कुछ पता नहीं चलता कि हमें कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। ये रिया का है, ये भी बहुत अच्छा हनी है। ये भी मैंने यूज़ कई दफ़ा करके उसको देखा है कि ये भी बिल्कुल जमता नहीं है। और उसके अलावा ये अलतियों का है, ये जो है ये भी बहुत अच्छा है हनी। इसको भी मैंने यूज़ किया है पहले और ये भी बहुत अच्छा, बहुत ही मज़े का है। वैसे भी ये बच्चों को खांसी हो तो ऐसे भी मौके पे बच्चों को आप रात को सोते वक्त एक एक चम्मच चटा दें, एक जो टीस्पून है तो वो बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। रेसिपी हमारी हो गई है मुकम्मल और यकीन आएगी आपको बहुत पसंद, और पसंद आने पर लाइक भी करना है आपने और अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा करना है। और जी, नई रेसिपी के लिए आपने वेट भी थोड़ा सा करना है ताकि एक नई रेसिपी के साथ दोबारा आपसे मुलाकात हो। तब तक आपने अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखना है और खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको सेहत अता फरमाए, आपका और हम सबका। अल्लाह निगेबान।